अच्छा ये इधर ना ये इसको बताता है इसका बेसिक कंट्रोल स्किल और रिवाइव। बेसिक में वो ही है कि आपने अपने शुरू में चूज़ करना है स्किल सेट, फिर आपने पैराशूटिंग करनी है, सर्च करना है, मूव क्विकली एंड हाइडिंग, और मतलब वही सारा पबजी वाला सीन। ठीक है, दूसरे नंबर पे कंट्रोल आ जाता है, ये भी तकरीबन वो ही है, हम एमुलेटर चला रहे हैं इसलिए हमारा माउस और कीबोर्ड पे हो गया ज़्यादा फोकस। आगे स्किल में ये 1 2 3 4 5 6 स्किल्स हैं। सबसे पहली है डिफेंडर वाली, जब आप गेम खेलोगे ना तो आपको पॉइंट मिलते जाएंगे, राइट साइड पे ऊपर एक सर्कल आ जाएगा, वो फिल होता रहेगा, जब वो फिल हो जाएगा तो आप ये जो सर्टेन एबिलिटी है डिफेंडर की ये अब इस्तेमाल कर सकोगे। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप ओपन हो ना कहीं और आपके पास कवर नहीं है और एनिमी आ गए हैं तो आप ये एबिलिटी यूज़ करके अपने लिए एक शील्ड बिल्ड कर सकते हो, जैसे ये दिखा रहा है इधर। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये उसी तरह है फोर्टनाइट में जैसे वो बनाते। हाँ नहीं नहीं, उधर तो ये है ना कि मटेरियल इकट्ठा कर, मुझे समझ आ गई। हाँ, दूसरी ये है मैकेनिक, ये भी उसी तरह आप बंदे मारोगे लूट करोगे तो उसकी ना ये इधर ये स्किल फिल हो रही है मैप के नीचे ना, फिर आप इसको यूज़ करोगे। ये मैकेनिक जो है ये स्किल आपकी ड्रोन वगैरह भेजेगी जो एनिमी को ना इंटरफेयर करेगी, ये शो करा रहा है ऊपर। तीसरी है स्काउट, ये सेंसर डार्ट है इसके पास ना, आपको बंदे नहीं पता लग रहे किधर हैं, आखिरी जोन चल रहा है बंदे नहीं नज़र आ रहे कहीं छुपे हुए हैं, तो आप जब ये आपकी एबिलिटी फिल होगी आप इसको यूज़ करो, ये डार्ट भेजेगा तो वो सेंस करके ना बंदों को बता देगा, ये जैसे ये दिखा रहा है इधर छोटा सा ना कि वो उधर बंदा है, इसका ये फ़ायदा है। इसका टॉय बॉम्ब ये क्लाउन वाला, ये भी वही चीज़ है, ये जब ये एबिलिटी फिल होगी तो ये आप इसको यूज़ करोगे तो ये बम शम फेंकेगा वगैरह वगैरह। फिर ये मेडिक वाला आ जाता है, इसमें करता है वही मतलब आपकी भी और आपके जो टीममेट हैं जो इस सर्कल के अंदर होंगे ना उन सब की वो हेल्थ को जनरेट करेगा, अगर किसी की हेल्थ कम है, ये देख रहे हैं आप शो करा रहे हैं नीचे बार ज़्यादा हो रहा है। और उसके बाद ये है ग्रैपल हुक, ये भी वही चीज़ है, इसकी भी एबिलिटी है एक ही दफ़ा इस्तेमाल होगा, अगर ये रिचार्ज फुल हो जाएगा तो एक दफ़ा इस्तेमाल होकर खाली हो जाएगा और इसको फिर वो दोबारा आपने रीफिल होने तक वेट करना है। इसका ये है कि आपको सीढ़ियाँ नहीं मिल रही या कहीं आपने पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है तो आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो आप ये ग्रैपल यूज़ करके ना तो उसके साथ ऊपर जा सकते हो। इसका ये एक नीचे एक और पर्क है कि यू मूव मोर क्वाइटली, मतलब आपकी आवाज़ नहीं ना पैरों की ज़्यादा शो होगी। ये स्किल्स हैं सारी इसकी, और ये रिवाइव वो बता रहा है कि कैसे करना है वगैरह वगैरह।